तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में सिम रिप्लेसमेंट की जो सर्विस है अब ज्यादातर रिटेलर की वो अब बंद कर दी गई है। यदि आप भी एक वीआई के रिटेलर हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यदि आप भी वीआई के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपकी जो रिप्लेसमेंट की सर्विस है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो जानेंगे विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और गाइस यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने गाइस अभी तक हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में सिम रिप्लेसमेंट की जो सर्विस है अब ज्यादातर रिटेलर के वो बंद कर दी जाएगी। दरअसल दोस्तों ये वीआई कंपनी की तरफ से एक नया नियम आया है। यदि आप एक वीआई के रिटेलर हैं और आप जो है स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन से ना तो एक्टिवेशन करते हैं ना ही एमएनपी करते हैं, और जो है आप खाली उसमें यूपीआई के जरिए एड बैलेंस करते हैं और रिचार्ज सेल करते रहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वीआई कंपनी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। जो रिटेलर स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में वर्क काम नहीं करेंगे तो उनकी जो सिम एक्स की सर्विस है यानी सिम रिप्लेसमेंट की सर्विस है उसको परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपकी जो सिम रिप्लेसमेंट की सर्विस अभी चालू है तो गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी जो अभी तक फिलहाल जो सर्विस है वो चालू है, और यदि आपकी स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में सिम रिप्लेसमेंट की जो सर्विस है उसको बंद कर दिया गया है तो गाइस आप कमेंट करके तब भी बताना कि मेरी सर्विस जो है बंद कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप जो इस सर्विस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जब अपने जो मेरे एफएससी आते हैं, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फिलहाल मेरी तो सर्विस चालू है। यहाँ पर एक मेरे साथ का फ्रेंड था रिटेलर जिनकी जो सर्विस थी सिम रिप्लेसमेंट की उसको वहां से बंद कर दिया गया कंपनी की तरफ से। दरअसल मैं आपको बता दूं कंपनी ऐसी किसी की सर्विस बंद नहीं करती है। यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कंपनी को मेल की जाती है कि ये बंदा जो है वर्क नहीं कर रहा है, इसकी सिम रिप्लेसमेंट की सर्विस को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है रिटेलर की सिम रिप्लेसमेंट की जो सर्विस होती है सिम यानी सिम एक्स की जो सर्विस है उसको बंद कर दिया जाता है। यदि आप वीआई के रिटेलर हैं तो यहाँ पर जब मैंने मेरे दोस्त ने बात की अपने डिस्ट्रीब्यूटर से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अब यदि आप जो है अपनी सिम रिप्लेसमेंट की सर्विस को फिर से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो लोड होता है वो सेल करना होगा, आप जो बेस्ट ऑफर चेक करके कस्टमर के रिचार्ज करेंगे। और यहाँ पर और भी बताया कि कम से कम आपको महीने में 10 सिम जो है एक्टिवेशन अनलिमिटेड रिचार्ज वाले मिनिमम 10 एक्टिवेशन आपको सिम एक्टिव करनी है वीआई की। तो यहाँ पर दोस्तों और एक कंडीशन और रखी गई थी कि मिनिमम आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 एमएनपी आपको करने हैं, किसी भी कंपनी का सिम आपको वीआई में पोर्ट करना ही करना है। यदि आप इस मंथ जो है अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा वहां पर आपकी जो वीआई की सिम रिप्लेसमेंट की सर्विस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अब तक कितने रिटेलर का जो सिम रिप्लेसमेंट का जो सर्विस है उसको वीआई कंपनी की तरफ से बंद कर दिया गया है। यदि आपका चालू है गाइस तो जरूर बताना, कि इससे पता चलेगा कि जो जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, जितने भी मेरे भाई लोग मुझे मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि किन की सर्विस चालू है और किन की सर्विस बंद है। तो गाइस यदि आप भी एक वीआई के रिटेलर हैं तो आपको जो है ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप एक्टिवेशन कर सकते हो, ये नहीं कि आपको इतना करना ही करना है कि आपको परमानेंटली एक्टिव रहना है यदि आपको अपनी सर्विस बचा के रखनी है। यदि आप एक्टिव नहीं होते हो तो गाइस यहाँ पर जो है आपकी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया, सोल्यूशन बता दिया और मैंने जो सिम रिप्लेसमेंट की सर्विस थी आपकी स्टार्ट कैसे हो जाएगी, आपको जो एक्टिवेशन कितना करना है। और गाइस मैं आप कुछ दिनों बाद एक जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ जियो ई सिम एक्टिवेशन के बारे में। यदि आप भी ई सिम एक्टिवेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि जियो का ई सिम एक्टिवेशन कैसे किया जाता है तो गाइस बहुत जल्द उसका वीडियो आने वाला है। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखना चाहते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के प्रेस को ऑल कर दें जिससे कि मैं कभी भी इस तरह का वीडियो बनाऊं इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि आपने फेसबुक पेज पर गाइस अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इसी प्रकार का वीडियो वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।